नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। इसरो की सफलता गाथा में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। इसरो ने बाहुबली कहे जाने वाले अपने सबसे भारी रॉकेट GSLV-xl की मदद से देश के सबसे भारी और उन्नत संचार उपग्रह GSAT-29 को कक्षा में स्थापित किया है। इस उपग्रह पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के दूरस्थ इलाकों में इंटरनेट और अन्य संचार सुविधाएं मुहैया कराने में मददगार साबित होंगे। लॉन्च के लिए 27 घंटे का काउंटडाउन ट्यूसडे को दोपहर 2 बजे से ही शुरू कर दिया गया था। बुधवार को शाम 5:08 पर श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से रॉकेट लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के 16 मिनट के बाद इसने सफलतापूर्वक GSAT-29 सैटेलाइट को कक्षा में पहुँचा दिया। इसरो प्रमुख K7 ने कहा कि मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे सबसे भारी लॉन्चर में अपने दूसरे मिशन में सबसे भारी उपग्रह GSAT-29 को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान-2 और मानव युक्त अंतरिक्ष अभियानों में इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिवन ने बताया कि जनवरी 2019 में भेजा जाने वाला चंद्रयान इस रॉकेट का पहला ऑपरेशनल अभियान होगा। दोस्तों, लगातार इसरो के कामयाबी से देश का मान सम्मान और एक सफलता से सर ऊंचा हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। एक बार फिर से हम सभी भारतवासियों की तरफ से इसरो को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वंस अगेन, थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टूडेज फॉर मोर वीडियोज़।